भी गया, खाना पीना सब बन गया। दीदी थोड़े बहुत दिन में आएंगी, एडिटिंग भी कर ली मैंने, आज कल रात में कर ली थी, सारा काम हो गया है। मैं बस थोड़ा सा अब सो लेती हूँ। मैं जनरली पता नहीं मैं अब सोती रही हूँ, बट आज क्या हुआ है ना कि हमारा इन्वर्टर शायद कुछ तो दिक्कत हुई है, चार्ज नहीं हो रहा है और बहुत टाइम हो गया इसके अंदर पानी नहीं डाला, तो हमें आज देखना पड़ेगा चिंता पर इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। अभी मैं साइड लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि सफाई होनी है तो फिर कुछ दिखाई देगा नहीं, तो लेट्स ऑफ। अंधेरा हो चुका है, चलो। जस्ट अभी नहा के आई हूँ, करीब 3 बज रहे हैं, बस थोड़ी सी घर के अंदर की सफाई वफाई करी थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सामने से धूप है और जो बादल हो रहे हैं ना वो बहुत ही प्यारा, इतने सुंदर बादल हो रहे हैं ना, और वो जो इधर यहाँ पर सूरज तो सुंदर बादल हो रहा है। ज़रा कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी वो ऑर्डर करवाई है क्योंकि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो इसलिए मैं ज़रा पनीर की सब्ज़ी सोच रही बनाने के लिए, तो वो दूध मटर और क्रीम पनीर बनाने के लिए पनीर तो ये सब्ज़ी मंगवाई है, और यहाँ पर मैंने दाल रख दी बनने के लिए, और इधर बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी, तो थोड़ा सा भी इनको पकाते हैं उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे ठंडा करने के बाद, अभी थोड़ा सा इनको हम और हल्का सा ऑयल में कर देते हैं। चलो आज मेरे पास बहुत काम है, पहले खाना बनाना है उसके बाद फिर मैं देखूँ क्या करना है, मुझे कपड़े भी सुखा के आने हैं, अभी ड्रायर में पड़े कपड़े सूखे हुए, तो वो जरा मैं ऊपर सोच रही हूँ धूप में सुखा के आ जाऊँ या फिर बाहर डालती हूँ थोड़ा धूप आ जाए तो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे एंड सॉरी मैंने बताया नहीं, तो अभी मतलब वही है कि नेक्स्ट डे है, कल कुछ खास शूट हुआ नहीं और बस अभी मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा आ जाने वाले हैं। बेसिकली मम्मी पापा कल आ गए थे लेकिन वो वहाँ पर जहाँ पर मामी से मिलने गए थे ना, मतलब गाज़ियाबाद में ही है लेकिन वो थोड़ा सा भी मतलब यहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर है, तो वो मम्मी पापा वहाँ पर आ गए हैं क्योंकि उन्हें मामी से मिलना था, भैया भाभी से मिलना था जिनके यहाँ गए थे, तो वो भी वहाँ पर हैं। आज मम्मी पापा यहाँ आ जाएंगे तो मैं भी इसीलिए खाने पीने के लिए बना रहती हूँ जिससे कि मम्मी पापा आए तो आराम से मस्त खाएँ, तो बहुत काम है चलो जल्दी से मैं कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं देखूँ कुछ करना, बहुत टाइम से सोच रही हूँ रील बनाऊँगी लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से मेरा मूड ना बड़ा ही अजीब सा हो रहा है, मतलब मैं मेकअप वेकअप करने के बाद भी मैं बैठ जाती हूँ लेकिन फिर उसका मैं समझ ना क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो थोड़ा सा मन बहुत अजीब सा हो रहा है मेरा आजकल, ऐसा लगता कि मतलब ऐसा लगे ऐसे थोड़ा सा कुछ कर लो उसके बाद फिर मन करे, थोड़ा हो जाता है कभी कभी, और सर्दियों के टाइम पर ठंडी भी हो तो फिर वैसे कुछ करने का मन नहीं करता, इट्स बहुत टास्किंग, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा टास्किंग है कि कपड़े चेंज करो मेकअप करो उसके बाद वीडियो बनाओ फिर जल्दी से चेंज करो फिर बैठो, एक ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है, सुबह से मैं ये पहन के घूम रही हूँ क्योंकि बहुत ठंडी, कैप भी लगा रखी थी लेकिन अभी मैं निकाल क्योंकि खाना पीना बनाने में थोड़ा सा वही गर्मी से लगने लग जाती है सर, मतलब एक तो खुजली और होती है कैप लगा के थोड़ा सा भी, तो अभी मैंने वो निकाल दिया, खाना बना लेती हूँ उसके बाद देखते फिर क्या करना है। जो पन्नियाँ होती है ना तो मैं उनको रख लेती हूँ क्योंकि जो भी कचरा वचड़ा होता है तो उसके डालने में काम आ जाती है, तो वैसे भी फेंकने तो अच्छा है कि कहीं वैसे यूज़ कर लिया जाए, और अब जरा मैं इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर से वॉश कर लूँगी क्योंकि आया तो बाहर से सामान है, तो मैं बेटर मैं ये ट्राई करती हूँ मैंने वॉश कर लूँ, जल्दी से मैं वॉश कर लेती हूँ। कि क्या बताऊँ, तो अभी जस्ट मैंने भी हाथ वॉश करे ऐसे बर्फीला ठंडा हो रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि ऐसे मनाली में आ गई हूँ मैं, और वो भी एकदम से अभी 2-3 दिन से होने लगा जब से मतलब ये फॉग हुआ है ना उसके बाद से इतनी ज़्यादा ठंडी होने लगी है कि बस क्या ही बताऊँ, मैंने उठते ही सीधा पहले मैंने ये पहना क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लगी, कैप लगा रखी थी कैप पर मैंने वो निकाल दी थी वही क्योंकि मुझे खुजली सा वो प्रॉब्लम सा हो रहा था, बहुत बर्फीला तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, हाथ भी बिल्कुल ऐसे हो गए हैं,
और ठंडियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे ना एक हल्का सा सर में दर्द रहता है, मुझे अजीब सी मतलब पहले तो सब कुछ खाने ऊपर आ रहा है तो वो थोड़ा सा रहता है। चलो अभी मैं जल्दी से खाना है, थोड़ा जो मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब मतलब टमाटर और सब चीज़ें मैंने डाली थी वो अभी थोड़ा ठंडी हो जाए उसके बाद मैं पीसते हैं। इसके अंदर मैंने ना तो प्याज डाला ना लहसुन डाला, क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो मतलब प्याज खा लेते हैं लेकिन लहसुन नहीं खाते हैं। लेकिन जो मेरी मदर लॉ है वो प्याज लहसुन दोनों खा लेते हैं, लेकिन वो सैटरडे और ट्यूजडे के दिन वो नहीं खाते हैं। तो जो मैं सब्जी बना रही हूँ वो मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, तो मैं इसमें प्याज भी नहीं डाल रही हूँ। और या ये मतलब जो इसके अंदर डाला हुआ है, मैंने एक बार पहले भी बनाई है, लगातार बनाई थी मैंने, वो भी मैंने टमाटर और मिर्ची और मतलब कुछ चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें डाल के बनाई थी मैंने। उसके अंदर भी प्याज और लहसुन यूज़ नहीं किया था, वो मैंने पहली बार बनाई थी और मुझे बहुत टेस्टी लगी। तो अभी फिलहाल हम फिर से मतलब कुछ कुछ मतलब लबाबदार नहीं बना रहे, इस बार हम बनाएंगे मटर पनीर, तो वो बनाते हैं और देखते हैं कैसी लगने वाली है। चलो सो गुड आफ्टरनून गाइस, अभी मैं नहा चुकी हूँ। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग का सो गया बिल्कुल ऑफिशियल वाला, मतलब अभी दोपहर हो चुकी है। तो अभी इस टाइम पर अभी मैं नहावा के अपनी वीडियो बना के फ्री हो चुकी हूँ। और मम्मी पापा से मैंने अभी फोन पर पूछा था, तो अभी मम्मी ने तो मुझे बताया कि वो आज नहीं आ रही हैं, वो कल आएंगी, और उनके साथ शायद मामी और मेरी भतीजी है जो कि मेरे से 2 साल बड़ी है। वो वैसे मेरी भतीजी लगती है, भतीजी या फिर भांजी, भतीजी शायद या भांजी, आई थिंक भांजी, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मतलब मेरी भाभी की नहीं, मेरी नंद की बेटी है, तो मुझे नहीं पता क्या लगता है, भांजी लगती है भतीजी लगती है, व्हाटएवर, जब आएंगे तब बता। अभी फिलहाल वो लोग नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा पापा अभी आने वाले हैं, जस्ट थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो एक दिक्कत हो गई थी कि मैं मतलब मैंने जब पहले सुबह पूछा था मैंने, तो सुबह बताया था कोई नहीं आ रहा है, अभी पापा का फ़ोन आया कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बस थोड़ी देर में आने वाला हूँ। तो मुझे अभी टमाटर मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कुछ खाने मतलब सब कुछ तैयारी करके रख लिया, क्योंकि ऑनलाइन टमाटर मंगा तो अच्छे आते नहीं है, और स्कूटी भी आकाश के गया हुआ है, तो मैंने आकाश को लगता कि जब वो आएगा तब लेता आ जाएगा, क्योंकि वो भी लेट आने वाला था, मैंने जो खाना था मैंने खा लिया था और ज़्यादा टाइम लगता नहीं। तो फिर अब मुझे ऑनलाइन टमाटर मंगाने पड़ेंगे, और फिर पापा के लिए मैं मतलब दाल बनाई थी मैंने आज, तो पापा आ जाएंगे फिर मैं तब तक दाल बना दूंगी, फिर पापा खाना खा लेंगे एंड आकाश भी खा लेगा, फिर मैं भी खा ही लूँगी कुछ फिर से। तो अभी ये थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन हम ऑनलाइन ये ना एक बेस्ट चीज़ ऐसी बन गई है कि इस टाइम पर हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कोई अगर गेस्ट आया घर में और कोई बाहर नहीं आ सकता, तो यहीं से अगर मैं जोमेटो से मैं नमकीन बिस्किट वगैरह कुछ मंगाना चाहूँ तो तुरंत की तुरंत मतलब मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर तुम्हारे घर के बाहर बिल्कुल बिस्किट नमकीन सब कुछ आ जाएगा, या फिर कुछ और दूध मंगाना हो, दूध खत्म हो गया हो, सब्जी मंगानी हो, फ्रूट्स मंगाने हो, हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है। और मतलब मैंने बहुत सारी मंगा के देखी है तो सब कुछ आ जाता है। तो अभी मुझे टमाटर ऑर्डर करने हैं जोमेटो से भी कर सकते हो, जोमेटो मैं एक नया अभी कुछ टाइम पहले बनाऊंगा, मतलब मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा है और शायद पहले होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। तो अभी जोमेटो से मतलब ये है कि हम ग्रोसरी जो भी मतलब होते हैं सब्जी वब्जी फ्रूट्स या फिर कुछ भी ऐसा नमकीन बिस्किट दूध वूध कुछ भी जो मंगाना चाहते हैं वो मंगा सकते हैं। तो मैं भी टमाटर ऑर्डर कर लेती हूँ और थोड़ी देर पापा आने वाले होंगे, क्योंकि मेरा सब कुछ अभी काम हो गया फिलहाल। चलो लेट्स ऑर्डर, नहीं रख दो सामान, तो हम तो सारा सामान लेके आ गए। अच्छा मम्मी खाने का मन नहीं करा वहाँ से। कर लेंगे, बैठ जाओ। गरम पिलाओ पानी नॉर्मल, अभी नहीं सता लो। अब मुझे बताया तो मैं लेने आ जाती सामान। तो अभी पापा आ चुके हैं और अभी अंदर पापा आराम कर रहे हैं, मैंने खाने पीने की पूछी, मैंने बना रही थी खाना वगैरह, तो पापा ने बोला कि नहीं मैं खा के आया हूँ इसीलिए मैं शाम में खाऊंगा सीधा। तो फिर मैंने इसलिए ऑर्डर अभी नहीं किया, मैंने कहा आकाश आएगा तभी फिर वो साथ में लेके आ जाएगा, क्योंकि मम्मी ने वहाँ जहाँ पर मेरे भाई भैया वहाँ से पास में मतलब कोई सब्जी मंडी है जो कि अच्छी है, और उन्होंने बहुत सारे सब्जियाँ वगैरह लेके रख ली, तो पापा ने भी मना कर दिया, इसलिए कभी ऐसा कुछ मत मंगवाना, आकाश आएगा थोड़े बहुत लेके आ जाएगा और कल मम्मी आएंगे तो वो सारी सब्जी भी लेके आ जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। और उसके अलावा मतलब कुछ लोग बोले कि टमाटर तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले किए थे, तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि मम्मी पापा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने प्यूरी बना ली थी उसकी और दाल भी कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब आकाश और मैं इतना हम नहीं खा पाएंगे, तो बेटर है कि मैं जो प्यूरी है ये मैं फ्रीज में रख देती हूँ, मैं कल यूज़ कर लूँगी इसको, तो इसलिए वो मैंने फ्रीज में रख दी, क्योंकि वो पूरा उसमें बहुत सारी चीज़ें थी मतलब पनीर के हिसाब से, तो फिर वो मैंने इसलिए फ्रीज में रख दी है। और अभी मैं दाल बनाऊंगी, लेकिन अभी दाल में तड़का मारा नहीं मैंने, क्योंकि पापा मना कर रहे हैं कि मैं खाना खा के मैं कुछ नहीं खाने का, चाय भी नहीं पी रहा उन्होंने उसी तरह, वो सो गए हैं। और आकाश थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि आज उसका स्टे भी हो सकता है, क्योंकि 24 को उसका एनुअल फंक्शन है, तो भी थोड़ा सा ना हैक्टिक चल रहा है, 24 के बाद थोड़ा सा वो फ्री हो जाएगा। तो ठीक है,
अभी जस्ट मैं बस थोड़ा सा धूप मैं बैटरी क्योंकि थोड़ी सी धूप ले लूँ, बहुत देर से काम कर लग रही है अंदर ही अंदर, थोड़ा ठंडा है और एक दो दिन से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा धूप में बैठूंगी, थोड़ी देर आकाश का वेट करेंगे, आकाश आ जाए दैन फिर हम दाल बनाएंगे, उसको दाल में जब तक वो ना फ्रेश फ्रेश हो गया तब तक मैं दाल में जाकर मार दूँगी। चलो अभी थोड़ा धूप लेते हैं। ये मैं जैसे यहाँ पर बैठी हूँ ये कबूतर उड़ के भाग गया था, अभी 3-4 बार यहाँ पर आ चुका है, अभी ये थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के देख रहा है कि मैं उसे कुछ बोलूँगी नहीं बोलूँगी, फिर मैं कुछ बोल ही नहीं रही, वो अपना जाकर बैठ जाए और यहाँ पर उसका बच्चा भी इसमें बोल चुका है अंदर, अभी दिखाऊंगी पहले बेचारा ये बैठ लिया थोड़ा, या बाहर चला जाए या बैठ जाए अपना कर ले जैसे करना है उसको, फिर जनरली उठ के भाग मतलब कबूतर ही जाती नहीं है, जाता नहीं जो भी हो सकते हो, तो ये जाते तो है नहीं पर पता नहीं लेकिन आज क्यों डर गई, बस समझ ले पैर भी कटा रही यहाँ से, ये अगर पैर टाए तो एकदम से डर के बगैर भाग जाएंगे, अभी वो पहले वो करिए कंफर्म कि हाँ भाई मैं कुछ कहूँगी तो नहीं, कंफर्म हो गया उसको मैं कुछ नहीं बोल रही इसलिए बैठ गया।